हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टीफन का नियम, स्टीफन लॉ यानी विकिरण से संबंधित। स्टीफन ने क्या नियम दिए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कृष्णिका क्या होती है यानी कृष्ण वस्तु क्या होती है, यानी एक ऐसी वस्तु जिस पर जितना भी विकिरण आपतित तो होता है वह उस संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो ऐसी वस्तु को कृष्णिका अथवा कृष्ण वस्तु कहते हैं। तो स्टीफन के नियम को समझने के लिए हमें ये बहुत जानना बहुत जरूरी था कि कृष्ण वस्तु क्या होती है। तो अभी स्टीफन का नियम क्या होता है, यानी किसी कृष्णिका के यानी किसी कृष्ण वस्तु के यानी ब्लैक बॉडी किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, यानी ये कोई वस्तु है, ये कृष्ण वस्तु है। इसका मतलब क्या है, इस पर यानी जितना भी विकिरण गिर रहा है वह संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर रही है, अथवा जब इसको गर्म करते हैं तो वह जितना विकिरण इसने अवशोषित किया उतना ही ये उत्सर्जित कर देती है, तो यह वस्तु क्या कहलाएगी, कृष्णिका। यानी इस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल है इतने एरिया का, वो क्षेत्रफल एक है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में जितनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है इस वस्तु से, यानी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस वस्तु के यानी इस वाली वस्तु के ताप के चतुर्थ घात के यानी टी पे पावर 4 चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ये कोई कृष्ण वस्तु है, इस कृष्ण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से, मान लीजिए इतना वाला क्षेत्रफल है एक है एरिया, मतलब एक है इसका क्षेत्रफल एक है, तो एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में जितनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह विकिरण ऊर्जा उस वस्तु के ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी माना किसी कृष्ण वस्तु का परम ताप है वो टी है और एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा ई है, तो स्टीफन के नियम से क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टी पे पावर 4। अगर यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसकी जगह पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाएंगे तो क्या ई इक्वल टू सिग्मा टी पे पावर 4। यहां पर अनुक्रमानुपाती, इसकी जगह पर हमने सिग्मा का अनुक्रमानुपाती नियतांक लिया हुआ है, ये सिग्मा का चिन्ह है। सिग्मा क्या है, एक नियतांक है। इस सिग्मा को हम स्टीफन स्थिरांक बोलते हैं, स्टीफन स्थिरांक। इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन पे पावर 4 होता है, और इस स्टीफन स्थिरांक की वैल्यू होती है सिग्मा यूगल टू 5.67 × 10⁻⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पे पावर 4। ये स्टीफन स्थिरांक की वैल्यू होती है। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है स्टीफन स्थिरांक का मान बताइए, और कभी कभी बीन का मान बताइए, बीन विस्थापन का, बीन ने जो विस्थापन का नियम दिया था उसमें भी बीन नियतांक है, उसका भी वैल्यू आ जाती है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर स्टीफन स्थिरांक का मान है 5.67 × 10⁻⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन पावर 4, तो इसको याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो ये नियम है, ये केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही सत्य है। अब मान लीजिए यदि किसी वस्तु का परम ताप टी है, उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई है, उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, किसी वस्तु का परम ताप टी है, उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई है और पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो उसके पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा होगी, वो होगी ऊर्जा युगल टू स्टीफन स्थिरांक यानी सिग्मा टी पे पावर 4 ई ए।
ये वाला फॉर्मूला, ये इसके ऊपर बहुत सारे अंकी क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने ही काम आएगा। तो विकिरण ऊर्जा होगी वो होगी सिग्मा टी पे पावर 4 ई। ई क्या है? उत्सर्जन क्षमता। ई और ए, ए क्या है? एरिया। तो आई होप स्टीफन का नियम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। धन्यवाद।